नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। कटनी जिले को बड़ी सौगात मंगलवार को सांसद बीडी शर्मा ने दी। उन्होंने पिपरोद पहुंचकर नव निर्माण भवन का लोकार्पण किया। उसके बाद कटनी पहुंचकर विनय ज्योति दीक्षित द्वारा पुष्पहार से उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने 2 मिनट का अपना उद्बोधन देकर कहा, नागरिक निकाय चुनाव में भाजपा 45 वार्ड जीत कराएगी। मुझे जल्दी जाना है क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो कुछ पत्रकार मुझसे नाराज हो गए थे, जिसके कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया था। मैं पत्रकारों को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए 2 मिनट रुक कर वो वहां से सर्किट हाउस पहुंचे और पत्रकारों से वार्तालाप की। इसमें नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि जो जीते हुए प्रत्याशी हैं भाजपा के, उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा और पार्टी मंथन करने उपरांत जो उस योग्य होगा उसे टिकट वितरण किया जाएगा। जिले में पत्रकारों द्वारा अवैध उत्खनन के बारे में भी पूछा तो उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा, भाजपा शासन को आप लोग भी भली भांति जानते हैं और जनता जनार्दन देख रही है कि मध्य प्रदेश में कितनी योजनाएं गरीबों के लिए शासन चला रही है। जब गरीबी रेखा कार्डधारी को राशन नहीं मिल पा रहा है के बारे में पूछा गया तो उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, अगर ऐसा कुछ हुआ है कि गरीबों का अनाज नहीं मिल रहा है तो इसकी जांच करवाने के लिए मैं बात करूंगा। मध्य प्रदेश इस जिले के 35,000 लोगों सहित पूरे मध्य प्रदेश में लाखों लोगों के गरीबी रेखा की आईडी बंद कर दी गई, उनको 5 महीने से अनाज नहीं मिल रहा है। इस बात की जानकारी आप कलेक्टर, जिला खाद्य अधिकारी से लेकर, सर्वर डाउन नहीं है, आईडी बंद है, आप कमिश्नर से पूछिए, कलेक्टर से पूछिए, और शर्मा जी आप जिनके पास आईडी नहीं थी, राशन कार्ड नहीं थे, उनको भी पर्ची वितरण का काम सरकार ने बड़े पैमाने पर किया। लेकिन अगर कहीं बंद करने के बाद अगर कहीं ऐसा छूटा है और कहीं कुछ हुआ है, ये हम इसकी चिंता करेंगे। मैं बात करूंगा संबल योजना, उनका पैसा भी तक नहीं पहुंचा संबल योजना।